विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार दुनिया के एक तिहाई गरीब भारत में रहते हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के कारण गरीबों की संख्या में गिरावट आई है, परंतु अभी भी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है, जिसके कारण से जनसंख्या का बढ़ना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि जैसी समस्याओं में बढ़ोतरी होती है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू कर दिया है, जो कि एक योजना ही नहीं बल्कि अधिनियम भी है, और ये काम करने के लिए कानूनी हक प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य रोजगारी के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करने का है। मनरेगा महिलाओं को भी रोजगार सक्षम बनाता है। इस योजना के अधिनियम के मुताबिक एक तिहाई भाग महिलाओं को काम देना अनिवार्य है, तथा पुरुष और महिलाओं को दिए जाने वाली मजदूरी समान होगी। इस प्रकार नरेगा आर्थिक रूप से महिलाओं में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के साथ जीवन निर्वाह कर रही हैं। करहद मध्य प्रदेश की सागर जिले के जैसी नगर ब्लॉक स्थित एक छोटा सा गांव है। अगर आप इस गांव के सामाजिक ढांचे पर नजर डालें तो ये ज्यादातर वन क्षेत्र है। अधिकांश ग्रामवासी दैनिक श्रमिक हैं। भूमि और कृषि के अनुपलब्धता के कारण अधिकतम ग्रामीण विस्थापित होते थे और अन्य ग्रामों तथा शहरों में श्रम की तलाश में पलायन करते थे। बाकी दूसरे गांव की तरह यहां के लोग भी मनरेगा के अंदर अपने अधिकारों से अनभिज्ञ थे। जब सृजन ने 2010 में इस गांव में प्रवेश किया था, तब ग्रामीण खास करके महिलाएं उनसे बात करने से डरती थी, लेकिन जल्दी ही परिवर्तन हुआ जब सृजन ने श्रम समूह का गठन किया और मनरेगा के अधिकारों और पात्रताओं के बारे में लोगों को बताया। हमारी शादी भई थी 1999 में, तो हमने 3 साल मतलब अपने ससुराल में रहे, फिर 3 साल के बाद मतलब हम अपने मायके में आ गए, तो मायके में मतलब आज की 15 साल हो चुकी हैं मैं मायके में रह रहा। तो 15 सालों में पहले तो मतलब लोग भी हमें बहुत ज़्यादा ताने देते, तो मतलब मायके में रह रही हैं जो मतलब माँ बाप की छाती पर रह रही हैं, जवान बेटी को घर पर रखे हैं, तो मतलब हमारे माँ बाप के लाने भी गांव वाले ने समाज वाले सब भड़काते थे कि मतलब बेटी खोकाए हो रखे हो भेजाओ कम जोर बो, तो मतलब हमारे माँ बाप को भी हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलो है, तब जाके मतलब हम इस चीज़ पे खड़े हैं, क्योंकि हमारे मतलब माँ बाप ने किसी भी ना गांव वालों की सुनी और ना समाज वालों की सुनी, क्योंकि उनको भी मतलब अपने मतलब बेटी पे बहुत ज़्यादा दम है। तो हमने छोटा मोटा धंधा मतलब करो, मिट्टी को बर्तन मतलब जी मट्टी अट्टी को काम करो चालू करो। करे के बाद में धीरे धीरे हमने सिलाई भी सीखी, सिलाई भी करने लगे, और सिलाई के बाद फिर मतलब समूह बनाए थे, समूह द्वारा हम घर से बाहर निकले। पहले तो मतलब हम घर से बाहर निकले में भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि अगर घर से बाहर निकले तो लोग बाग भी ताने दे हैं, तो बहुत सी मुसीबतें मतलब ऐसी झेली हमने के मतलब एक एक पल हमारे लाने मतलब बहुत ज़्यादा कठिन को कटो, और फिर एक बाद भी मतलब हमने अपना हौसला कायम रखो कि मतलब अपन एक ज़िंदगी जीने है, नहीं कर मतलब बहुत ज़्यादा आदमी को इतना परेशान करोगा कि आदमी कुछ भी करवे के लाने तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप को हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलो, और माँ बाप के बाद फिर जब हम समूह में जुड़े सदस्यों से मतलब मिले, उनसे बात करी, उनकी मतलब जो भी हमने गरीबों के काम करवाए
तो मतलब वो में भी हमें एक खुशी मिली कि मतलब अपनी जिंदगी अपन ने जैसी भी है ठीक है दुख या सुख में कट गई, लेकिन आज हम अगर चार गरीब के संगे अपना काम कर रहे हैं तो वह भी हमारी खुशी है कि अपने प्रति अगर चार गरीब को काम हो रहा हो तो एक बहुत बड़ी बात है। समाज में ना गाँव में बहुत ज़्यादा आदमी सोचते थे कि अरे वो तो यहाँ सही है जी और वो, और अब की स्थिति में है तो मतलब सब लोग जा बोलते हैं कि अरे वो तो मैडम हो गई, और पहले भी लोग ताने मारते थे। तो हम अकेले ही अपने घर में जैसे 10 रुपये हमें बचाने तो घर में डिब्बा में डाल रहा है कुछ भी, और फिर मतलब एक सदस्य तो कहीं भी बचा सका, एक साथ बैठ के जो भी समस्याएं हैं सदस्यों की तो अपनी अपनी समस्याएं एक दूसरे को मतलब भी शेयर कर रहा। आज हमारे घर में जा समस्या आई मतलब कि हमारा बच्चा बीमार है कि हमारा BPL में नाम जुड़वाने हैं या कछु भी करवाना, तो ये वजह से मतलब हम सब एक साथ बैठे, फिर एक साथ 10 सदस्य मतलब हर एक एक समितियों में बैठे, 10 सदस्य की मतलब 4 समिति बनी 10 सदस्य की, तो मतलब 40 सदस्य फिर एकजुट मतलब भाई हमारे, तो फिर 40 सदस्यों ने हमारे बनवाओ एक संघ कुल। अच्छा, और वो महासंघ रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्री चुनाव हो गया है? जैसे ग्राम पंचायत की है तो मतलब हम लोग 10 ही सदस्य मिलकर ग्राम पंचायत में गए, ग्राम पंचायत से मतलब जो भी समस्या हम उन्होंने सॉल्व नहीं हुई तो उन्होंने फिर मतलब महासंघ बना हुई। हर संकुल से हम लोग 2 सदस्य जाते हैं, 12 से मतलब 12 संकुल हटे जो शुरू में चालू करो। कहा जा रही बाहर भाईचार के का मतलब है? अब नहीं आए तो अब जाके तो भाईचारों को है काम, भाईचारों को अधिकार है, भाईचार बाहर न कर देंगे। तो गरीबों के समूह देख के मतलब बड़े आदमी भी कहने लगे हमारों से कि हमें जोड़ लो, तो मतलब जब बेजोड़ गए हमारे संगे तो अब जैसे हम बैठे हम नीचे बैठे हैं तो उनको भी नीचे ये गई थी कि भाई देखो भैया तुम जाने कह सको कि हम ऐसे और हम एक हो तो हमारे संगे जोड़ो। पंचायत में मतलब बार बार गए और फिर के बाद पंचायत से कोई जानकारी नहीं मिली, तो फिर हम उन्होंने बनाई मजदूर संघ में हमारे कम से कम 30-40 सदस्य जुड़े शुरू में। मतलब जय भाव के जब हमारा ने मतलब कार्य योजना बनाई गांव को भ्रमण करके मतलब गांव के सभी सदस्यों को इकट्ठा करो, तो गांव वालों को भी लगो कि यार गांव की भी कार्य योजना बनती है मतलब जो सभी में मिल के मतलब जो भी काम हमें करवाने हैं तो सभी लोगों ने अपने अपने काम के मतलब वो में लिखवाओ के मतलब हमें कुटी बनवाने हैं, खेत तालाब करवाने हैं, मेड़ बंधन करवाने हैं, तो उनके लाने अब जो भी लगो के मतलब अपन ग्राम सभा में जे हैं तो अपने से काम हुए। अब कहा तो कि जैसे हमें काम करवाने तो हम ग्राम सभा में गए और जो सचिव सरपंच को रजिस्टर दे था वही में लिखवाया कि भाई हमारा जो काम हुए, जब हमारे मतलब पूरे गांव इकट्ठा करके और एक कार्य योजना बनाई पूरे गांव की, और जब वो मतलब कार्य योजना हमने ग्राम पंचायत में दी तो सचिव सरपंच के लाने भी लगो कि यार ये तो हमें तक पता नहीं होता कि मतलब पूरे गांव इकट्ठा करके इन लोगों ने एक एक गली रास्ता मतलब देखी कि कहाँ का होने हैं, CC रोड कहाँ होने के, और सदस्यों के लाने भी लगो कि चलो हमारे मतलब अकेले से नहीं हो रहे थे तो मतलब सब गांव ने मिलके एक कार्य योजना बनाई, तो अब 10 के संगे हमारे भी सब मिलके हमारे जी काम हुए, और जो भी काम अपने पिछले सालों से नहीं भाया मतलब कार्य योजना में ये बार जुड़वाए, और हर बार मतलब पहले तो ऐसे ही होते कि आवेदन था और ग्राम पंचायत पहुँच गए और अब काम भाव नहीं भवाया, अब तो लेकिन जब पूरे गाँव को इकट्ठो करो और पूरे गाँव से एक एक बात पूछी सदस्यों से कि भाई आपने मतलब इतने दिनों में ग्राम पंचायत में आप गए कि नहीं गए, तो मतलब उनके लाने भी कह लगे अरे वो तो हम सचिव सरपंच के थे मतलब लिखवाया थे हमें कोई जानकारी नहीं है, तो सभी अब गांव वाले भी पूछा थे कि वो अपनों अपन ने वो कार्य योजना वो काम जुड़वाओ तो वो मतलब होगा कि नहीं भगवा, तो अब अपन उनसे बोल दे कि आप ग्राम पंचायत जाओ तो ग्राम पंचायत में भी पता करा थे, पहले तो गाँव के सदस्य खुद मतलब पता नहीं होता। जब हमने पिछले साल कार्य योजना बनवाई तो अब सब सदस्य मतलब वो किलाने तैयार हैं और बोल भी रहे कि मतलब अपन जाओ जो भी काम है अपन करवा है ग्राम पंचायत से। रामकली के मेट बनने से क्या फायदा हुआ आप लोगों को? फायदा है, दो जानकारी तो आ रही हमारे सामने, हमें पता तो चल रहा हो कि का होते का नहीं होते, फिर हमें का पता है तो वो का हम जानते के का होने हमारे जे बुजुर्ग बैठे इनको नहीं चलाते पते के का हमारे गाँव में का रोजगार होते का कैसे काम होगा तो कैसे होते, और सरपंच ने कह दे कि 80 रुपया दिन मिल है तो 80 के जगह 70 भी दे रहे तो मजदूरों ने ले ला, कोई पता नहीं होता कि मतलब हमारी वेट है का मजदूर का है कि का नहीं होते ये को के का नहीं है।
उतने से 100 मिल रहा है, 50 दे रहा है। पता ही नहीं ना तो मजदूरों से क्या उसे 50 में जे जब भी आती है तो 40-25-30-35 रुपए जाते गांव में मजदूर रह दे तो 2-5 रुपए जाते कहीं चलो 5 ही तो मिल रहा है अधिकारी भाई मत के तुम ऐसे तालाब को काम करो शमशान घाट को काम करो अब काम करें हम हाँ जब से रोज लगी है जी काम करे अब इतनी तो हम आप औरों की जरिए चाहेंगे यही तो सब मदद चाहेंगे पहली बार तुम्हारे ग्राम पंचायत गए तो सचिव सरपंच ने हमारा किला ने भगा दा कि मतलब महिलाओं की में कोई मतलब ग्राम पंचायत नहीं होते हमारे यहाँ पुरुषों के होते तो हम लोग मतलब बाहर के बाहर आ गए फिर एक बाद में हम मतलब सब महिलाएं मिलकर ब्लॉक ऑफिस गए तो ब्लॉक ऑफिस से मतलब SDO मतलब उन्होंने बुलवा और कही कि मतलब 50% पुरुष जो हैं तो 50% महिलाओं को भी जाना जरूरी है तो जब से मतलब हम लोगों के लाने सचिव सरपंच ने मतलब ग्राम पंचायत में खुद अब बुलाते हैं कि मतलब आप भी बैठक में आओ तो ब्लॉक ऑफिस गए तो उतने भी हमने पता करो कि मतलब हमारे मजदूर संघ का जो हमने मेट का आवेदन दिया था उसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ तो ब्लॉक ऑफिस में जो तिवारी जी हैं वे बोले कि नहीं मतलब यहाँ कोई आवेदन नहीं आया है आपका तो फिर हमारे जो पावती सचिव सरपंच ने दी थी वह पावती हम रखे थे हमारे पास हमने कि हम पावती है अब पावती हमने बताई तो वे कहने लगे तिवारी जी के मतलब ये पावती को आवेदन हमारे पास आऊ नहीं है तो उन्हें तुरंत सचिव को फोन लगाओ कि मतलब जो ग्राम पंचायत कर हद से मेट को आवेदन आपके पास आया वो आवेदन कहाँ है तो सचिव कहने लगे वो तो हमारे पास है वो कही यहाँ आपके गांव से मजदूर सब यहाँ पे हैं ब्लॉक ऑफिस में हैं तो कही किस कारण से गए कही वो मजदूर संघ के मेट के मतलब उस माध्यम से आए हैं कि मेट का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया तो सचिव सरपंच तुरंत पहुँचे ब्लॉक ऑफिस अब वे हमें गुमराह करने लगे मतलब जो ब्लॉक के अधिकारी हैं मतलब तिवारी जी ने पूरे CEO साहब के तय गए CEO कहने लगे कि मतलब जब इन्हें आवेदन दाओ तो इनको काम क्यों नहीं करो तो मतलब पूरे अधिकारी होते इकट्ठे होगा CEO ऑफिस में तो CEO कहने लगे कि मतलब आप मेट किसको चुने हो महिलाओं से मजदूरों से पूछने लगे तो फिर महिलाएँ कहने लगी हमारे मेट में महिला हैं मेट तो कहीं पढ़ी लिखी हैं कहीं हाँ पढ़ी लिखी हैं तो कहने लगे तिवारी जी से कहने लगा अभी एक घंटे में इसका निरीक्षण करके मुझे पता दो कि इस मेट का आवेदन मतलब आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया फिर सचिव सरपंच मतलब घरे भी आए एक दो बार कि मतलब आप लोग जाठ हो ग्राम सभा में तो इतना दोंदरा नहीं करूँ करे उन्होंने कही कि जब तुम नहीं सुन रहे हमारे तो हम तो कर रहे हैं तो फिर ऐसा ही मतलब पहली बार हम लोगों ने कितने 10 से 100 शौचालय के आवेदन दाए थे 10 समिति के सदस्यों के आवेदन दाए तो शुरू में 10 शौचालय हमारों की मंजूर है फिर 10 शौचालय वे बने फिर दूसरी बार में हमने 10 BPL के मतलब आवेदन दाए समिति की महिलाओं की जो बिल्कुल गरीब हती तो उनमें 10 की जगह वो मैं 18 भी आ गई थी में नाम मजदूर पे हैं गांव में क्योंकि गांव में काम नहीं मिलता था तो मजदूर भी सोचते थे कि गांव में कछु है ही नहीं है क्या करें बाहर ही काम के लाने जाएं और लेकिन मजदूर संघ से और जो भी रोजगार गारंटी से जुड़ के मतलब बहुत से सदस्य अब गाँव में रहने की इच्छा कर रहे हैं कि जब अपने गाँव में ही काम मिल रहा हो तो अपन गाँव में ही काम करें बाहर काय खोजे जब गांव में तो बाहर काय खोजे क्योंकि बाहर जावे से देखो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं बच्चों को भी भविष्य बिगड़ रहा है और मजदूरी जैसे अगर 200 रुपये बाहर मिल भी रही तो उसे कुछ भी फायदा नहीं है उससे ज्यादा मतलब देशों में महंगाई है तो ये कारण से मतलब काम इतना बाहर जे ही खाओ